जनता की सेवा के लिए एक विकसित मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। तब बुलडोजर भी चलेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत 25,000 से अधिक परिवारों को निशुल्क भूखंड के पट्टे भेंट कर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी ने हितग्राहियों द्वारा घर से लाए हुए भोजन को बड़ी आत्मीयता के साथ बैठकर ग्रहण किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत रीवा संभाग के 7,00,000 से अधिक कृषकों के खाते में 140 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। साथ ही मेडिकल माइनिंग और इंजीनियरिंग कॉलेज, सीएम राइज स्कूल भवन, आरओबी सहित करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। सरकारी मिलेगी तो सरकारी बांटूंगा और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के दूंगा, लेकिन कोई गरीब जमीन के बिना भी नहीं। हर एक के पास अपना जमीन का टुकड़ा थोड़ा सा हो या पूरे स्वाभिमान के साथ वो अपने परिवार के साथ रह सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरी तरह से गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। जो भी योजनाएं चाहे हमारे प्रधानमंत्री चलाते हो, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चलाते हो, मैं देखता हूँ हर योजना का केंद्र बिंदु यदि कोई होता है इस राज्य का अथवा इस देश का गरीब व्यक्ति होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन एवं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफलता पूर्वक संपन्न होने के उपलक्ष्य में आयोजित धन्यवाद इंदौर सम्मान समारोह में सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास कार्यालय में मध्य प्रदेश राधा स्वामी सत्संग व्यास संगठन के पदाधिकारियों ने भेंट कर उन्हें राजगढ़ जिले के ब्यावरा स्थित सत्संग घर में 28 जनवरी से 3 फरवरी तक होने वाले वार्षिक सत्संग कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। अपने प्रतिदिन पौधारोपण के संकल्प के क्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज स्मार्ट सिटी उद्यान में नीम, आम और चंपा के पौधे लगाए।